हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं फिलहाल सोके उठ चुका हूँ, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। आज तो धूप भी निकली हुई है और ये भी निकल आई है सोके सोके निकल है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, पेड़ में आ रहा है। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ। और कुछ नहीं, लाइट नहीं आ रही है लेकिन नहाया धोया लग रहा हूँ। और मैंने कल दाढ़ी वाड़ी सेट करा ली थी, बढ़िया स्मार्ट लग रहा हूँ। 5 साल छोटे लग रहा है, नहाने की जरूरत भी नहीं। अगर नहीं भी नहाऊंगा 2-4 दिन तो लगेगा। हाँ, नहाया हुआ हूँ। रूम में ही सोना है ना? नहीं तो रूम के बाहर सोना है तो मत नहाएगा। है ना गाइस? हाँ गाइस, भाई चलते चाय पी लेते हैं। और आज है संडे तो देखते हैं यार दिन भर क्या करना है। चाय बनानी है चाय। ये देखो हुकुम पहले से आ रहा है, संडे है, चाय बनानी है चाय। हुकुम मेरे आका, चाय बनानी मिलेगी। और आज मैं सोच रहा हूँ ना चाय के साथ कचालू खाने के लिए, कच्चा आलू जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ, आप चाय बना दीजिए बस। ठीक है, फिर चलते हैं चाय बना लेते हैं, फिर आज खाएंगे कचालू। और आज जाएंगे कहीं घूमने के लिए अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि यार वीडियो बहुत सारी पड़ी है जो एडिट नहीं हुई है, इसे पड़ी हुई है तो मोबाइल में स्पेस बच नहीं रहा कि मैं और भी ज्यादा वीडियो बना सकूं। पहले आज कोशिश करूंगा सारी वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद टाइम बचेगा फिर घूमने के लिए जाऊंगा। तो चलते हैं फिर चाय और कचालू खाते पीते हैं। और इन्होंने चाय भी चढ़ा दी है तो चाय नहीं बनानी पड़ेगी, चाय बन जाए फिर कचालू बनाते हैं इनसे बढ़िया। तुम तो कह रहे थे कि चाय मैं बनाऊंगा, तुम्ही बना दी। बना दी, मैंने सोचा मैं बना दू। कचालू भी तुम्हें बनाना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, बना दे रही हूँ। रूम में लाइट नहीं आ रही है तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर आ सकती है, व्हाइटनेस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ब्लॉग आएगा ये है। तो चाय बन जाए उसके बाद कचालू बनाएंगी तो बस, तब तक हम लेट जाते हैं ऐसे दोनों टांग पर करके। एक चीज दिखाओ मैं आपको, रुको बताता हूँ। और ये है अदरक, ये अभी तक चाय में नहीं बनी और चाय पक के उबल रही है। मैं भूल गई। उसको डाल दो बेचारे पहले। अकेले अकेले क्या चुरा के खा रही हो आए? देखो कुछ लेके गई। अकेले अकेले खा के डस्टबिन में पैकेट डाल दिया, गलत बात है। बिस्किट है, बिस्किट लीजिए। चोरी में बराबर की भागीदारी। चोर चोर मौसेरे भाई। गलत बात है, चोर चोर पति पत्नी। तो गाइस चलते हैं फिर, थोड़ी ड्यूटी निभा देते हैं चाय बनाने वाली, नहीं तो फिर ही होगा कि हमने चाय नहीं बनाई। और गाइस इस चीज दिखाएं, ये मटका है ना मेरा प्यारा सा, तो इसका ना ये रो रहा, देखो ये पानी निकल रहा है इसका। क्योंकि क्या है ना कि ठंडी का मौसम आ चुका है, लगभग अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो इसलिए मटका भी ठंडा हो जाता है, बाहर का मौसम भी ठंडा, इसलिए पसीज रहा है। जब हवा चलती है तो मुंह टपक रहा है। पसीज रहा क्या होता है ना? पसीज रहा नहीं, सील रहा होता है। वो मटका फूटा नहीं है। हाँ। अक्टूबर भी ठंडा, मटका भी ठंडा, इसलिए वो लीक कर रहा है, पसीज के लीक कर रहा है, सील रहा है। अरे सील है भाई, सील कर रहा है। तो वो फूटा नहीं है लेकिन उसमें ना इतना मॉइस्चर हो जाता है कि वो टप 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 टपकता रहता है। ये कचालू बन गया। हाँ। ये देखिए, कचालू बन गया है। हाँ। इतना कचालू मेरा है, इतना कचालू इनका है। मैं खाती नहीं ज्यादा हरा हरा। अच्छा, ये हरा हरा नहीं खाती क्योंकि इनको धनिया नहीं पसंद है ना। तो गाइस चाय बन गई है, तो गाइस चाय भी बन गई है, कचालू भी बन गए, तो चलते हैं फिर खा पी लेते हैं। और कचालू कम खाते हैं क्योंकि उसमें धनिया पड़ती है तो हरी चीज इनको सूट नहीं करती है, पसंद ही नहीं है, मुझे छोड़ के बस। हरे हैं क्या? हरे भरे हैं। होने वाला है कुछ गड़बड़ है। ये कचालू के साथ नींबू और चाय। और ये उस रूम में गई हैं तो पक्का ये नमकीन लेने के लिए गई हैं, क्योंकि कुर कुर की आवाज आ रही है पैकेट की। वही लेने गई थी ना। मुझे मालूम है, चाय और नमकीन ना हो ही नहीं सकता ऐसा। और पता है इनकी वजह से 6 बजे सो के उठते हैं तब भी 9 बजे तैयार होते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं
तब भी 9 बजे तैयार होते हैं। 12 बजने वाले हैं, आज संडे है। अच्छा, तब ठीक है। तो गाइस फाइनली लाइट आ गई है और कचालू भाई साहब बहुत टेस्टी बना है। और ये देखो मेरे चाय का खेले खेले मजा ले रही है। बहुत टेस्टी बनी है। कचालू में धनिया पड़ा तो ये खा नहीं रहे, तो मैं अकेले अकेले निपटा ले रहा हूँ। मैं दालमोट खा रही हूँ। दालमोट खा रही है। सही में टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी था। जब इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया ना भाई साहब, मजा आ गया एकदम। अगर इसमें सिरका मिल जाता मुझे, सिरका है नहीं, मैं सिरका ले आऊंगा उसके बाद डालूंगा। नेक्स्ट टाइम जब कचालू बनेगा तो उसमें नींबू और सिरका डालूंगा फिर खाऊंगा। सेम सिंपल तरीके से बीबी की तारीफ तो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, उसमें नींबू डाले हैं तो अच्छा हुआ है, सिरका ले आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कचालू अच्छा बना है ऐसे तारीफ करते हैं। डायरेक्ट तारीफ नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती हो जाती है। तारीफ करना आता ही नहीं है इन्हें, ये करेंगे क्या, ये ऐसे ही तारीफ करते हैं, ऐसे ही अप्रिसिएट करते हैं। बताइए बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज सोचा इनको कहीं ले जाए, घुमा उमा लाए और करवा चौथ भी आने वाला है तो शॉपिंग भी करा दे। क्योंकि कह रही है शॉपिंग नहीं करना, ऐसे ब्लॉग बनाना करवा चौथ का। अरे यार ब्लॉग बनाना तो शॉपिंग भी कर लेना, बिहाइंड द सीन मत दिखाना उसको। और क्या शॉपिंग कर ली हूँ, बात ये कर रहे क्या। थोड़ा थोड़ा सामान बचा है, जैसे बैंगल्स इयररिंग्स वगैरह, तो उसको भी खरीद लेते हैं, लेके चलूंगी। लेकिन मैं क्या पहन रही हूँ ये आपको करवा चौथ अगले दिन ही दिखाऊंगी, पहले नहीं दिखाऊंगी, मजा नहीं आएगा फिर। सही बात है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाई थी। ये बात थी, ये बात। हाँ फिर कहीं चद्दर बहुत गंदी हो रही है। हाँ यार चद्दर गंदी हो गई, चेंज कर देंगे इसको। ये पता है गाइस, खाएंगे पिएंगे यहाँ कॉर्नर पे। मैं दिखाती हूँ, नीचे करिए थोड़ा कैमरा। ये कॉर्नर पे ऐसे ऐसे करके हाथ पोछ लेते हैं पूरे चद्दर का, जितना बीच का नहीं गंदा है ना बेडशीट, उतना किनारे किनारे का गंदा है। अरे आज संडे में उसको भी धुल दूंगा भैया। धुल देंगे, आप इंसान नहीं है क्या? नहीं धुल देंगे तो मतलब गंदा करेंगे। अरे वो पोछ लिया गलती से, नमकीन खाया था ना तो उसको लग गया था थोड़ा सा नमक आंख में लग जाता। तो ये कौन कौन और ये हरकतें करता है पहले मुझे कमेंट करके बताना। ये सही है, खाओ पियो किनारे पोछ दो। अच्छा मैं साफ कर दे रहा हूँ, बेडशीट भी चेंज कर दे रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, मैं निकल जा रहा हूँ इस घर से अब। आऊंगा मैं अंदर से ताला भी लगा दूंगी। तो खाने में क्या बनाओगी? अभी नाश्ता करके उठी नहीं हूँ मैं। नहीं फिर भी बता दो उसी हिसाब से मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। अगर पूड़ी बननी है तो ज्यादा देर आराम से गर्म पानी करके नहाऊंगा, अगर रोटी सब्जी बननी है नॉर्मल तो बस जा रहा हूँ, दो मग पानी डाल के इसे भगाऊंगा। आज बनेगी सूरन की सब्जी और पूड़ी। मैं वही कहने वाला हूँ कि पूड़ी उड़ी बना रहे तो आराम से नहा हो के आके बैठ जाओ चुप मार के खाने के लिए। वाह क्या बात है। तो गए चलते फिर नहा के हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज बनेगी सूरन की सब्जी, बढ़िया मेरी फेवरेट सूरन की सब्जी, जिसको हम लोग जिमी कंद कहते हैं, कना कंद कहते हैं, सकर कंद कहते हैं। अरे वही जमा कंद अलग होता है, जो भी है कंद होता है उसकी सब्जी, और उसमें बढ़िया आम की खटाई डाल के पूड़ी के साथ। तो नहा के आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज यहाँ पर मेरा सूरन उबल गया है और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने यहाँ पर मसाला अपना काट लिया है जिसको अभी मैं मिक्सचर में पीसूंगी, और टमाटर थोड़ा सा काटा है क्योंकि इसमें खटाई भी डालेंगे, और ये है मेरा मसाला जिसको पकने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको बहुत महीन नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरबड़ा या खड़ा जिसको बोलते हैं वैसा पीस ली हूं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। सो गाइज यहाँ पर मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये अपने कटे हुए सूरन। और अब बस 2 से 4 मिनट इसे भूनना है।
मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी। ये आपको जितनी रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये रही खटाई। और अब हम एक बॉयल आने तक इसको बॉयल करेंगे और उसके बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। सो गाइज, यहां पर मेरी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। और देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है, बहुत प्यारी बनी है। तो गाइज मैंने नहा लिया है और ये देखो भाई साहब, ये नहा धो के रेडी हो गई है और बन गई मेरी गर्मा गर्म पूड़ियां और सुरन की सब्जी बन गई है। ये बाबा रामदेव लग रही है। तो गाइस चलते फिर खाना वाना खा लेते हैं और शाम को घूमने के लिए देखते हैं कहाँ जाना है। फिलहाल वीडियो बहुत ज्यादा भाई साहब एडिट करने के लिए, कौन सी एडिट करूँ पहले समझ ही नहीं आता। तो फिलहाल भी चलते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं। आ गया भाई मेरा खाना, तो चलिए बढ़िया एंजॉय करते हैं और अकेले अकेले खाएंगे आज हम। दो पूड़ियां मेरी, तीन पूड़ियां तुम्हारी ना। और भाई साहब खुशबू तो बहुत टेस्टी टेस्टी आ रही है। कैसा बना? होटल जैसा। अरे वाह मजा आ गई। तुम कहाँ चली जा रही है? आऊंगी। जाओ पहले। कहाँ जाए? बाल सुखाओ, धूप धूप निकली है। नहीं बाल सूख जाएंगे, पहले खाऊंगी गर्मा गर्म। मजा आ गया। भले तो अच्छी है। तो गाय चलते फिर खाना खा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। चुम्मा के खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग। और अभी मैं सो के उठ गया हूँ, खाना खा के सो गया था तो नींद लग गई और सोचा था शाम को घूमने जाने के लिए, बट हमें लग नहीं रहा कि आज मैं घूमने जा पाऊंगा। क्योंकि ये मेरे साथ ही होता है, जब कहीं घूमने जाना होता है या कहीं कुछ काम होता है ना, तो उस दिन सिर्फ बारिश होती है। तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आपको। पता नहीं क्यों यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। गाइस मैं जब भी सोचता हूँ बाहर जाऊंगा घूमने के लिए ना, भाई साहब ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बूंदें और बारिश हो रही है। मतलब हम घूमने नहीं जा सकते कहीं भी, संडे पूरा बेकार हो जाता है यार इस चक्कर में। और गाइस सुबह सोचा था कि शाम को जाएंगे और शाम को कहने वाले लोग इस टाइम गुस्सा हो चुके हैं और इनको देखिए। सुबह जाना था तुमको ना? मैं कह रही थी सुबह चलिए, अब बारिश होने लगी, अब क्या करें बताइए। महाभारत, अब गाइस होने वाली है महाभारत, क्योंकि इन्होंने बोला सुबह चलने के लिए। मैंने सोचा खा पी लेते थोड़ा आराम करेंगे, शाम को जाएंगे घूमने के लिए। घूम लिए। बारिश हम लोग के नसीब में है, सब किए कराए पानी फेर दिया तुमने और तुम्हारी बारिश ने, तुम्हारे मौसम ने। मैं मुझे खांसी आ रही थी, इनको बहाना मिला है, बारिश में घुमाने भी नहीं लेके जाते। तो गाइस तो बारिश में चले जाते हैं। तो गाइस फिर चलते चाय बनाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं। बस यही काम बचा है, चाय बना दूं, चाय पी लीजिए, बस काम खत्म। हमारे ब्लॉग में होता क्या है, सुबह उठो हाय गाइस गुड मॉर्निंग, चाय पीते हैं और फिर जाते हैं, आते हैं फिर चाय पीते फिर सो जाते हैं। बोर मत होइएगा, आने वाले टाइम में आपको कुछ नया भी मिलेगा। तो जब ब्लॉग में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब मिलेगा नया ना। मुझको गुस्सा आ रही, भाग गई है आप लेके फोन मेरे पास। मैं बोल रही थी सुबह चलो, अच्छा खासा प्लान हम लोग बना रहे थे कि आज शायद देवा चलें। तो ये हुआ कि थोड़ी देर में निकलेंगे, अगले संडे को निकलेंगे। बस देर भी हो गई, संडे भी हो गया, सब हो गया। इतनी तेज बारिश हो रही ना कि भूल जाओ निकलने के लिए, उड़ जाओगे क्योंकि बारिश के साथ हवा चल रही है। और ये देखिए नखरे अभी सो गए। एक दिन मिलता है यार, मैं सोचता थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा सो लूं, थोड़े बहाने कर लूं। मेरे को तो सारे दिन मिलते हैं। तो चलते हैं फिर चाय बनाते हैं। जाइए, हम जा ही नहीं रहे, हम चलते ही नहीं, हम अकेले। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, बीबी हाथ की चाय गर्मा गर्म पीने के मजा और कुछ है। बीबी को सुनाइए नहीं दे रहा है, बीबी के कान बंद हो गए। नहीं तो गाइस महाभारत हो, इससे पहले मैं
दूध लाता हूँ और चाय बनाता हूँ बढ़िया अदरक डाल के, ताकि इनका मूड थोड़ा सही हो जाए। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो हम रात को 8 बजे जाएंगे, नहीं तो फिर खाना बनाएंगे और बच्चों मार के खा के सो जाऊंगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल बारिश हो रही है और फिर देखते हैं शाम तक क्या करना है। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो इनको घुमा भी ले आएंगे। और गुस्सा देखिए भाई साहब, नाक जैसे गोल गोल हो गई है, वैसे नाक गोल हो गई है गुस्सा की तरह। 6:30 ऑलरेडी बज रहे हैं, हाँ बारिश इतनी तेज हो रही है। 8 बजे चलेंगे, 8 बजे। हाँ, जब थोड़ा बहुत दिख रहा है तब तो कीचड़ में जा नहीं रहा, आधी रात में जाएंगे कीचड़ में। मैं नहीं जाऊंगी 8 बजे। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और फाइनली हो गई है शाम, और ये देखिए सोकर उठे हैं, मस्त चाय पी रहे हैं। क्यों क्यों? बारिश इतनी ज्यादा हो रही है बाहर की, कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, तो दिन भर घर में पड़े पड़े ज्यादा काम कुछ हो ही नहीं पाया, संडे भी पूरा बेकार गया। और ना मेरी बात माना करिए आप। चलते चुम्मारे खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बाहर तो गड़गड़ पानी बरस रहा है बहुत तेज, बिजलियां भी हो रही है, जो बिजली चमकने को क्या बोलते हैं, बिजली चमकना ही तो बोलते हैं। वो रहा है थंडर स्टॉर्मिंग। हाँ, थंडर स्ट्रोमिंग, क्या बात है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि संडे तो पूरा बेकार हो गया, हम लोग कहीं जा नहीं पाए। बट हाँ, उसके अलावा और भी काम हम लोगों ने निपटाए, तो क्या किया जाए, चले यार अब। गाइस आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि संडे था और कहीं बाहर भी नहीं जा पाए, और बारिश तो इतनी ज्यादा, पूछो ना भाई साहब, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं घर में पड़ा हूँ पूरे दिन आज, क्योंकि इतनी ज्यादा कीचड़ हो चुका है रोडों पे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो अभी चाय पीते हैं और खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बांटते रहो, और मेरे को नींद अभी लग रही है। एक्चुअली गलत टाइम पे सोए, गलत टाइम पे उठे, इसलिए नींद लग रही है। तो ठीक है गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नो कि इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिला, बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। आज हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे यार, इतनी बारिश, और बस वही है, खाना खाया, खाना बनाया, और अब वापस सोने जा रहा है। तो ठीक है गाइज, बाय बाय।